इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखें? आज लखनऊ में राजनाथ सिंह और अमेठी में स्मृति ईरानी दाखिल करेंगे नामांकन, रोड शो के बाद करेंगे नामांकन। बीजेपी और गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद अमित शाह के एडिटेड और भ्रामक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पीएम मोदी ने देश का एक्सरे करने वाले राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना, कहा अर्बन नक्सल सोच की वजह से कांग्रेस हर घर परिवार पर छापा मारना चाहती है। भोपाल के कोलार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया रोड शो, खुली जीप में किया रोड शो, जगह जगह लगाए गए स्वागत के पंडाल। ग्वालियर में पूर्व सीएम शिवराज ने किया रोड शो, शिवराज के रोड शो में नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद, बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में रोड शो। कर्नाटक में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा राजे महाराजाओं को गाली दे रहे राहुल गांधी, मुगलों और नवाबों का अत्याचार याद नहीं। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री दीपक जोशी का बड़ा दावा, बोले बस स्टॉप बनाने में सांसद और विधायक लेते हैं 1-1 लाख का कमीशन। प्रियंका गांधी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा हमला, कहा शादी के बाद भी नहीं पहनती मंगलसूत्र, सरनेम तक नहीं बदला। विदिशा में कार्यकर्ताओं को कार्तिकेय चौहान की सलाह, अति आत्मविश्वास हानिकारक हो सकता है, चुनाव को एकतरफा ना माने कार्यकर्ता। भिंड में जीतू पटवारी के खिलाफ शिकायत, देवाशीष जरारिया ने थाने में लगाया आवेदन, अभद्रता का लगाया आरोप। बिलासपुर में सचिन पायलट का बीजेपी पर तंज, कहा 300, 400, 500 पार कहने वाले असलियत में दूर दूर तक नहीं। मुंगेली में अरुण साव का दीपक बैज पर बड़ा हमला, कहा दीपक बैज अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, कांग्रेस में भगदड़। महादेव सट्टा ऐप पर सियासत तेज, बैज ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा चुनाव के समय याद आता है महादेव ऐप। खरगोन में तुलसी सिलावट अनुसूचित जाति सम्मेलन में पहुंचे, बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल को बताया हनुमान। सीएम मोहन यादव ने सुसनेर में रोडमल नागर के लिए की जनसभा, कांग्रेस के नेताओं पर साधा निशाना, कछुए से की दिग्विजय सिंह की तुलना। श्योपुर के विजयपुर में शिवराज सिंह चौहान ने शिवमंगल सिंह के लिए मांगे वोट, पीएम मोदी की तारीफ, कहा मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा देश। रायगढ़ के धरमजयगढ़ में सीएम साय का कांग्रेस पर निशाना, कहा बघेल सरकार ने गोबर भी खा लिया। प्रियंका गांधी पर सीएम के बयान पर गरमाई सियासत, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का बयान, बीजेपी के लोग मूल मुद्दों से भटकाने की राजनीति करते हैं। कोरबा में प्रभारी सचिन पायलट का बयान, कहा भाजपा नेताओं के के बाद आपका स्वागत है। तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है, देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ शानदार इनाम आप जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। और आज के सवाल की बारी है, इंतजार आपको हो रहा होगा, कर रहे होंगे आप इंतजार के सवाल का क्या है। तो सवाल यह आज का कि रायपुर लोकसभा को बीजेपी का मजबूत किला बनाने वाले को क्या आप जानते हैं? जानते हैं इस नंबर पर मिस कॉल करें, QR कोड स्कैन करें, पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए। और दर्शकों तैयार हो जाइए, पहचान कौन कॉन्टेस्ट में 27 अप्रैल को पूछे गए सवाल के विजेताओं का आज ऐलान होने वाला है। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच विजेताओं का ऐलान होगा। क्या आप हैं वो लकी विनर? जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त एक और ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द। क्या है सर लाहट? देश में ये चुनाव बदलाव का चुनाव। धार में भूशाला का 39वें दिन का सर्वे जारी, एएसआई की टीम कर रही सर्वे।
घोषाला मामले में आज इंदौर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। एएसआई ने सर्वे के लिए 8 हफ्ते और समय की मांग की है। बलरामपुर के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में करेंगे प्रचार। एमपी में चुनावी प्रचार के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव अन्य राज्यों के दौरे पर, यूपी के अमेठी में करेंगे रोड शो, रांची में बनाएंगे बीजेपी के लिए माहौल। बिलासपुर में चुनावी ताल ठोकेंगे राहुल गांधी, सकरी के सिंचाई कॉलोनी मैदान में करेंगे जनसभा। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ईडी की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार, आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम की 4 रैलियां। पीएम मोदी ने देश का एक्सरे करने वाले राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना, कहा अर्बन नक्सल सोच की वजह से कांग्रेस हर घर परिवार पर छापा मारना चाहती है। आज लखनऊ में राजनाथ सिंह और अमेठी में स्मृति ईरानी दाखिल करेंगे नामांकन, रोड शो के बाद नॉमिनेशन करेंगे फाइल। बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद अमित शाह के एडिटेड और भ्रामक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया FIR, देश भर में हो सकती है गिरफ्तारियां। शिवपुरी में देहात थाना इलाके के में मोबाइल चोर सक्रिय, राहगीर से छीना मोबाइल। बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा, मिनी ट्रक और पिकअप में जबरदस्त टक्कर, 9 लोगों की मौत, 12 घायल। अंबिकापुर में घर में लगी आग, घर में सो रहे 5 लोग आग में फंसे, फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्ग गोलीकांड में दामाद ने ससुर को मारी थी गोली, पिस्टल से चलाई थी गोली, बुजुर्ग के सीटी स्कैन से हुआ खुलासा। मुरैना में सट्टा कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश, 3 सटोरिये गिरफ्तार, 5 मोबाइल के साथ साथ 1000 रुपए जब्त। राजनांदगांव में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप का आरोप। सूरजपुर में फरार स्थाई और गिरफ्तारी वारंटी के खिलाफ मुहिम, 444 फरार। अंबिकापुर में पति ने पत्नी की हत्या की, डंडे से वार कर उतारा मौत के घाट। सारंगगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए की शराब और महुआ लहान जब्त। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जारी के आदेश, बस्तर में आज विद्युत सेवा रहेगी प्रभावित, 10 बजे से 3 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद। सुकमा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़, सलातोंग इलाके में मुठभेड़ हुई, दोनों ओर से लगातार जारी गोलीबारी, एक नक्सली का शव मिलने की खबर। बिलासपुर में हमले का वीडियो वायरल हुआ, आपसी विवाद में युवक पर डंडे से किया गया हमला, पुरानी रंजिश में किया हमला। जगदलपुर में अश्लील वीडियो के अपलोड करने वाला अरेस्ट किया गया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में युवक गिरफ्तार, एनसीआरबी दिल्ली ने की थी शिकायत। बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा, मिनी ट्रक और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत। बलरामपुर के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में करेंगे प्रचार। राजनांदगांव में सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। सूरजपुर में फरार स्थायी और गिरफ्तारी वारंटी के खिलाफ पुलिस की मुहिम, जिले के विभिन्न थाना चौकी क्षेत्र 444 फरार वारंटी गिरफ्तार। अंबिकापुर में पति ने की पत्नी की हत्या, डंडे से वार कर उतारा मौत के घाट। सारंगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए की शराब और महुआ लहान जब्त। दुर्ग गोलीकांड में दामाद ने ससुर को मारी थी गोली, 1 आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में घर में लगी भीषण आग, घर में सो रहे 5 लोग आग में फंसे थे, फायर ब्रिगेड ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। कोरबा में पति ने पत्नी को तारा मौत के घाट, चरित्र शक के चलते की हत्या। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने जारी किया आदेश, बस्तर में आज विद्युत सेवा रहेगी प्रभावित। सूरतपुर में टोल गेट तोड़कर फरार हुआ पिकअप चालक। अंबिकापुर में भतीजे ने की चाचा की हत्या, इलाज के दौरान हुई मौत। बलरामपुर के इंदरपुर गांव में हाथियों का उत्पात, 3 घरों पर जमकर मचाया उत्पात। बिलासपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत। दुर्ग में हेरफेर करने वाली महिला गिरफ्तार, दस्तावेजों में हेरफेर कर ली थी जमानत। महासमुंद में झांसा देकर महिला से ठगी, फोटो खिंचवाने का झांसा देकर लूटा जीवन। कोरबा में सांप के काटने से नाबालिग की मौत, परिजनों के साथ काम करने आया था युवक। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार, आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम की 4 रैलियां, बागलकोट, सोलापुर, कराड़ और पुणे में करेंगे प्रचार। आज बिलासपुर में चुनावी ताल ठोकेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सकरी के सिंचाई कॉलोनी मैदान में करेंगे जनसभा। एमपी में चुनावी प्रचार के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव अन्य राज्यों के ताबड़तोड़ प्रचार में, यूपी के अमेठी में रोड शो में भरेंगे हुंकार, रांची में बनाएंगे बीजेपी के लिए माहौल। खरगोन में 6 मई को आएंगे पीएम मोदी, नवग्रह बेला मैदान में होगी जनसभा।
मायावती के भतीजे और बीएसपी नेता आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर। आनंद पर बीजेपी सरकार को लेकर विवादित बयान देने के आरोप। आज लखनऊ में राजनाथ सिंह और अमेठी में स्मृति ईरानी दाखिल करेंगे नामांकन, रोड शो के बाद करेंगे नामांकन। बीजेपी और गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद अमित शाह के एडिटेड और भ्रामक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पीएम मोदी ने देश का एक्सरे करने वाले राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना, कहा अर्बन नक्सल सोच की वजह से कांग्रेस हर घर परिवार पर छापा मारना चाहती है। भोपाल के कोलार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया रोड शो, खुली जीप में किया रोड शो, जगह जगह लगाए गए स्वागत के पंडाल। ग्वालियर में पूर्व सीएम शिवराज ने किया रोड शो, शिवराज के रोड शो में नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। इंदौर में वोटिंग से पहले बहुत बड़ा खेला, कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने छोड़ दिया मैदान, बीजेपी में हो गए शामिल, सीएम कर रहे स्वागत। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद चढ़ा सियासी पारा, कलेक्ट्रेट में भिड़े बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता, निर्दलियों के नामांकन वापसी पर हुआ विवाद। एमपी में कांग्रेस को झटके पर झटका, कल बीजेपी में कांग्रेस के दिग्गज नेता रामनिवास रावत होंगे शामिल, बीजेपी सीएम मोहन यादव की मौजूदगी मिलेंगे बीजेपी की सदस्यता। न्यूज 18 को दिया इंटरव्यू पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, कई मुद्दों पर रखे अपने विचार, आज रात 9 बजे न्यूज 18 पर देखिए मेरा इंटरव्यू। धार भोजशाला में 2 महीने और चलेगा सर्वे, इंदौर हाईकोर्ट ने मानी एएसआई की समय बढ़ाने की मांग, 4 जुलाई को पेश करनी होगी रिपोर्ट। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। लगातार हमारा चुनाव एक्सप्रेस का सफर जारी है, चुनाव एक्सप्रेस लगातार हर अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है आपको बताने के लिए कि चुनाव की गहमा गहमी क्या है। हम पहुंचे हैं आज एक और हाई प्रोफाइल सीट पर, विदिशा, विदिशा के रायसेन में हम इस समय हैं। मुकाबला यहां का दिलचस्प क्यों है, क्योंकि मुकाबले में बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और उनके सामने कांग्रेस ने उतारे हैं प्रताप भानु शर्मा को, जो 2 बार सांसद रह चुके हैं। मामा और दादा के बीच की लड़ाई है, यहाँ की जनता हमने कहते हुए ये मिली है। और रायसेन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे आज यहाँ पर सुनने को मिली कि रायसेन को लेकर कहा जाता है कि ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को कुछ नहीं मिला। हालांकि हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विदिशा लोकसभा सीट को लेकर समीकरण क्या बन रहे हैं, और साथ ही जनता जो कह रही है वो क्या कह रही है, वादों का हिसाब किताब क्या है वो भी जानेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस जनता का। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, जो पोडियम पर कौन कौन है उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ हरीश मिश्रा जी हैं, बतौर राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार वो जुड़ रहे हैं, जोरदार तालियां हो जाएं। रायसेन की नगर पालिका अध्यक्ष हैं सविता जमुना सेन जी, जोरदार तालियां हो जाए सविता जी के लिए। और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अवनीश भार्गव जी, जोरदार तालियां हो जाए अवनीश जी के लिए। और साथ ही सह प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विश्वकर्मा जी हैं उद्धव शिवसेना गुट से, और पूरे प्रदेश में केवल विदिशा ही एक ऐसी सीट है जिस पर शिवसेना ने अपना प्रत्याशी उतारा है। खुद प्रत्याशी सत्येंद्र जी हमारे साथ यहां पर हैं। हालांकि इस मंच पर हमें ज्वाइन करने वाले थे पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, उनके आने का भी हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सविता जी, लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी 6 महीने ही हुए हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मामा बुधनी से विधायक चुने गए, वापस अब सांसदी के लिए क्यों मैदान में?
सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी एक पार्टी नहीं, एक परिवार है, और परिवार के मुखिया का जो आदेश होता है, हमारे पार्टी के सदस्य वो अपने मुखिया के आदेश का पालन करते हैं। पार्टी को जैसी जरूरत होती है, जैसा काम होता है, उसके परिवार के सदस्य उसी हिसाब से काम करते हैं। तो जो पार्टी का आदेश है, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उस आदेश का पालन कर रहे हैं। मामा वर्सेस दादा के बीच की लड़ाई, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को जब कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो दादा की याद आ गई। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को जवाब देने के लिए तैयार है। यह कहना सर्वथा अनुचित है कि कांग्रेस को विदिशा संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि जो 19 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, विदिशा से विधायक चुन के गए हों, या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, उनके कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं कर एक विधायक को टिकट दिया जिसको मुख्यमंत्री बनना था, उसको सांसद का चुनाव लड़ा दिया। तो जिनने 19 साल तक यदि काम किया होता, मध्य प्रदेश की जनता के साथ न्याय होता, विदिशा संसदीय क्षेत्र रायसेन की जनता के साथ न्याय होता, तो उनको पुनः मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? तो जनता ये जानना चाहती है कि काम शिवराज सिंह चौहान जी का अच्छा था या उन्हें प्रदेश के नेताओं ने नकार दिया, देश के नेताओं ने नकार दिया, ये जनता पूछना चाहती है। और आपने पहले भी कहा था, रायसेन के बारे में कहावत है कि ऊपर किला नीचे जिला, लेकिन रायसेन को कुछ नहीं मिला। पूरे विदिशा संसदीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है और यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। 6 बार शिवराज सिंह चौहान जी विदिशा संसदीय क्षेत्र सांसद रहे और 19 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनसे पूछा जाए कि आपने विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया है, रोजगार के अवसर के लिए क्या काम हुआ है, या मेडिकल कॉलेज की स्थापना रायसेन में क्यों नहीं हुई जब हर जिले में होने, या पूरी तरीके से कांग्रेस के समय पे जो विकास हुआ था, जो जिला बना था, उसके बाद आज तक कोई काम नहीं हुए। निश्चित तौर पे विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता विकास के नाम पे, काम के नाम के आधार पे सांसद को चुनना चाहती है। और आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आप दादा के रूप में कह रहे हैं, बहुत सम्मानीय, उनने विदिशा संसदीय क्षेत्र में 2 बार सांसद रहते हुए जो काम किए थे, जनता पे एक अमिट छवि है उनकी और एक सहज सरल व्यक्तित्व है। दिनेश विश्वकर्मा जी, जरा ये बता दीजिए, जरा आप प्रदेश में एकमात्र विदिशा ही क्यों और कितने मजबूत है आपके दावेदार? देखिए क्या है कि विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में पहली बार शिवसेना के प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े किए गए। पूरे मध्य प्रदेश की एक सीट हाई प्रोफाइल, जहां से माननीय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री के रूप में 18 साल मध्य प्रदेश में शासन में रहे। इस शासन काल में जो हुआ है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने जो करना था सब कुछ कर चुके हैं, हमारे पास आगे करने के लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में 10 लाख से चुनाव जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि शिवराज सिंह जी 10 लाख वोटों से, अधिक वोटों से जीतेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा वोटों से जीतने की गारंटी यहाँ के भाजपा के लोग दे रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता जो कहना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पद से हटा के द्वारा सड़कों पर दौड़ा दिया, वो आपको कहां तक ले जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हरीश जी, इस दावे के पीछे जनता का समर्थन कितना है और मुद्दे क्या है विदिशा लोकसभा सीट के, क्योंकि देश के मुद्दों पर लग ही नहीं रहा कि हम बात भी कर रहे हैं। यदि देखा जाए विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र पूरा राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, मोदी जी के नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जा रहा है, भाजपा के पास मुद्दे नहीं है। भाजपा ने एक गारंटी के नाम पे चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा को ये सोचना चाहिए कि मोदी जी के बाद क्या होगा, क्योंकि आपने परिवार बात खत्म करने की बात करी है, हमको अगला नेता भी चाहिए। अभी आदरणीय भाभी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में जिसको अवसर दिया जाता है वो चुनाव लड़ता है। ये अवसर ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे लाखों कार्यकर्ता हैं, उनमें से किसी दलित शोषित वंचित पीड़ित को प्रत्याशी बनाया जा सकता था, क्योंकि बुदनी का खाली होना निश्चित रूप से एक देश के अंदर गलत परंपरा है कि एक क्षेत्र का उपचुनाव बार बार जनता के ऊपर थोपा जाता है। जो दावे किए जा रहे हैं, सरकार जो सत्ता में है वो उसका दावा सुन लिया आपने, विकास की लंबी फेरिस, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरह है, लेकिन विदिशा की आवाम को क्या मिला है? मैं कहता हूँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से।
मेरा भारतीय जनता पार्टी से केवल एक ही प्रश्न है कि कांग्रेस ने तो अपनी 5 गारंटियां दी हैं, हम हर साल प्रत्येक महिला को 1,00,000 रुपए देंगे, आप गारंटी के नाम पे क्या देते हैं? क्या आप गारंटी के नाम पे बेरोजगारी दे रहे हैं? क्या आप गारंटी के नाम पे महंगाई दे रहे हैं? क्योंकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल इन 10 वर्षों में 2 करोड़ रोजगार का आपने वादा करा था और आज की स्थिति में भारतवर्ष में 60% युवा बेरोजगार हैं। तो आप रोजगार के नाम पे हमको क्या गारंटी दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमको ये बताएं। भाई साहब, आप जनता की बात कर रहे हो, ये वही जनता है जिस जनता ने आपको 92 से लाके 62 में पटक दिया और भारतीय जनता पार्टी 166 प्लस में खड़ी है आज, ये वही जनता है। और दूसरी बात रही विकास की, तो आप मेरी बात सुनिए, विकास किसे बोलते हैं? 2003 से पहले का मत उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश का हॉस्पिटल थे, डॉक्टर नहीं थे, स्कूल था, टीचर नहीं थे, लाइट थी लेकिन ये पता लाइट आएगी कब, रोड था लेकिन पता नहीं था रोड है कहाँ, गड्ढों में रोड था कि रोड में गड्ढे थे, जवाब दीजिए। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहूंगा और मुख्यमंत्री जी से, आप बुधनी के विकास की बात कर लीजिए पहले, बुधनी में मां नर्मदा का अगर शोषण और दोहन किया है तो वो शिवराज सिंह चौहान जी और उनके परिवार ने किया है। पूरी तरह सैटेलाइट से कई बार पर्यावरण विद्वानों ने देखा, आपको भी पता है कि पूरी मां नर्मदा की रेत चोरी की है तो मामा और मामा के परिवार ने की। ठीक है, लेकिन पहले अवनीश जी आप जवाब दीजिए। विकास की यहां तक हम बात करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं, यदि आप ज्यादा सीटों पे जीते हैं, वो चुनाव जीतने को आप 164 सीटों को आपका विकास मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी का विकास मानते हैं और इस देश में यदि आप संसद में सरकार में आए इसका विकास मानते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। आपने देश में लोगों को मजबूत नहीं किया, लोग कमजोर हुए हैं इस प्रजातंत्र भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के सरकार में और नेता मजबूत हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, अब की बार मोदी सरकार पे चुनाव लड़ रही है। मोदी को आप मजबूत करना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं और देश की जनता को कमजोर और लाचार बनाना चाहते हैं, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की दरकार उनको धकेलना चाहते हैं। ये कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लोगों को मजबूत किया। विकास की परिभाषा बिल्डिंग बनाने या सड़क को 4 लेन करने से नहीं होगी। एक गरीब के घर में यदि वो रहता है, स्वाभिमान के साथ रहता है और उसका इलाज कराने के लिए अस्पताल में जाता है, इलाज हो जाता है, वो यदि बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता है वहाँ हो जाता है। ये आजादी का मतलब है, ये प्रजातंत्र का मतलब है। अंग्रेजों के समय भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी थी, मिंटो हॉल बना था जो बेच दिया। मैं कह सकता हूं कि 70 साल में जो कुछ कांग्रेस सरकार ने यहाँ दिया था देश में, उसका बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी। वो तो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ दिया, लेकिन एक सवाल आपके लिए आया था, मतलब बीजेपी के लिए आया था कि बुधनी के विकास की तो बात कर लीजिए पहले। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से भी और जितने लोग सुन रहे हैं सबसे, कि विकास किसे कहते हैं? क्या आज भारत का जो पूरे विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं मोदी जी, वो विकास नहीं है क्या? क्या गांव-गांव तक जो सड़कें बिछाई गई हैं वो विकास नहीं है क्या? गांव में जो आज बिजली पहुंचाई गई है वो विकास नहीं है क्या? घर घर नल लगाकर पानी की, हमारी बहनें कितने किलोमीटर से पानी ले लेके जाती थी, पर आज समय ऐसा है कि घर घर नल लग गया है, हमारी बहनों को पानी घर बैठे मिल रहा है, ये विकास नहीं है क्या? आज यूपी की बात कर लें, जब एक समय था कि माताएं बहनें 6 बजे 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी, वो सेफ नहीं रहती थी, आज देखो हमारी बहनें बाहर निकल रही हैं और पूरी तरह सेफ हैं, ये विकास नहीं है क्या? गुंडागर्दी जो समाप्त करी है वो बीजेपी ने ही की है ना। उसके बाद में यदि बात करूंगी, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि गरीब कल्याण योजना में आज गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ये विकास नहीं है क्या? जब वो घर में भूखे बैठे थे, जब कांग्रेस कहाँ गई थी? पहले नहीं क्या, पहले इसका शासन नहीं रहा, किसी और का शासन नहीं रहा, जब उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी बहनों को, हमारे गरीब भाइयों को गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न दिया जाना चाहिए, आवास योजना के तहत बेचारे हमारे गरीब भाई बहन जो कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते थे मकान बना सकते, ठीक है वो कह रहे हैं कि मकान दिया, लेकिन यहाँ पर आप हाथ दिखाते, एक मिनट जाइए पहले। मैडम मैं बेमार विश्वकर्मा, जब शिवराज सिंह मामा जी इतनी बार सांसद रह चुके, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके, जब तुम्हें डर है वो तुम जो गाँव गाँव सभा काय कर रहे हो घरे बैठो, और तुमने कही 2700 हम सरकार बने दो, महिला 3000 इनने 3000 तय कर, इनने कही गेहूँ खरीदेंगे किसान के 2700 में खरीदेंगे, आज बताओ अगर 2700 में अगर मेरे भाई हो कांग्रेस के और कोई भी दल के हो तुम,
बता दो अगर कोई 27 अगर किसी भी की हुई तो मान के चलो। अगर शिवराज जी आप इतने अच्छे आदमी, आपका डंका बजा शिवराज सिंह जी मामा, आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान है जी, बीजेपी ने नारा कहा है और हम जो कह रहे हैं भाग शिवराज भाग, आग लगी है आग, प्रताप भानु शर्मा चुनाव जीतेगा। सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान, यही है भाजपा की पहचान। सबसे पहले जो अगर जरूरत की चीजें होती हैं वो हम भाजपा वाले दे रहे हैं। आज कोई भी भूखा नहीं सो सकता, आज कोई शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता, आज माँ बहन बेटी सुरक्षित है, आज लाडली बहनों ने पूरी सरकार का रुख बदल दिया। आप इस 9% वोट ड्रॉप आउट हुआ है ये सेकंड फेज में, महिलाएं नहीं निकली है बाहर। अपनी विदिशा की बात कर रहे हैं, हम अपने शिवराज जी की बात कर रहे हैं। हमारे शिवराज भैया जिनकी वजह से आज मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और अब फिर विदिशा हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और शिवराज भैया हर लाडली बहना के दिल में बसते हैं। और जहां तक कम मकान की बात है, आज हर व्यक्ति को मकान देने की मोदी की गारंटी है और वो मिल रहा है। मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं वो जी। जैसा कि हमारे आदरणीय भाभी जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह जैसे रोड पे जो गांव में रोड बिछाई उन्होंने, रोड तो बिछा दी लेकिन रोड के शायद गड्ढे बंद करना भूल गए। भोजपुर की सड़कें खराब, भोपाल की सड़कें खराब, विदिशा भोपाल की सड़कें खराब, आखिर क्या दिया है? 24 घंटे लाइट पानी की बात करते हैं, 24 घंटे लाइट पानी कहाँ है? और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में जब स्वास्थ्य तो मोबाइल लाइट तो चार्ज पहले भी होते थे, मोबाइल लाइट चार्ज आप नहीं करवा रहे। उसके पहले भी जब विकास हुआ तो कहाँ हुआ विकास? विकास बताओ आप मुझे। सबसे पहले घर देते आवास वाले। देखो ऐसा है, देने को तो शिवराज मामा ने बहुत कुछ दिया है, लाडली बहनाओं को सम्मान शिवराज मामा ने दिया है, किसानों को किसान सम्मान निधि शिवराज मामा ने दी है, किसानों को बीमा के पैसा शिवराज मामा ने दिया है, जो बोनस शिवराज मामा ने दिया है और किसी सरकार ने नहीं दिया। और शिवराज मामा यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे ये सुनिश्चित है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि हमारे भी आदर्श थे और भाई साहब के भी आदर्श थे, जब वो छोड़ के पार्टी आ रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है कांग्रेस पार्टी को कि क्यों हम में क्या कमी रह रही है कि हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपके वरिष्ठ नेता पार्टी ज्वाइन क्यों करवा रहे हैं? क्या जिसको जाना है जाओ। हमारे आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आपके बड़े बड़े नेता ज्वाइन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रहित की पार्टी है और इसमें सबका स्वागत है। जो अगर राष्ट्रहित है सबका स्वागत है। सवाल यहाँ एक युवा से जी, आपका नाम क्या है? विक्रम दांगी मैम। मैम आप विषय उठा रहे हैं नेशनल का, ठीक है नेशनल का क्यों उठा? आप ये बताइए आप विदिशा संसदीय क्षेत्र में रायसेन को पिछड़ा क्यों रखा? आपने रायसेन को क्या दिया? पुराने सांसद 5 बार में 5 बार रायसेन आए क्या? 8 पंचवर्षीय 40 वर्षों से रायसेन विदिशा सीट भाजपा की है। क्या किया आपने 40 वर्षों में? आप क्या विदिशा रायसेन को मॉडल नहीं बना सकते थे? आप यूपी मॉडल की बात कर रहे हो, 20-25 साल से आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है। अभी आंटी ने बोला यूपी बाबा की बात क्यों कर रहे हो आप? नेशनल मुद्दे नहीं है, रायसेन की बात करें। चुनाव देश का है ना, देश का चुनाव, ठीक है। आप स्थानीय स्तर पे आपने क्या किया? ठीक है मेरे छोटे भाई को बताना चाहूंगा, ये विधानसभा का चुनाव नहीं, ये लोकसभा का चुनाव, ये पूरे देश का चुनाव है। मैं बताना चाहता हूँ देश के अंदर जितने भी मुद्दे थे, धारा 370 हो चाहे राम मंदिर का फैसला हो, अब थोड़े दिन बाद ज्ञान भाभी का मुद्दा भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अरे कब तक इन मुद्दे पर वोट मांगते रहेंगे? हम तो जब तक ये मुद्दे रहेंगे तब तक हम विदिशा या और सीटें विकास से पिछड़ती रहेंगी और ये वोट मांगते रहेंगे जी। प्रश्न ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को क्यों ज्वाइन करा रही है? यदि भारतीय जनता पार्टी विदिशा संसदीय क्षेत्र में इतनी मजबूत है, उनके नेता इतने मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ है, 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, लगातार विधायक यहां से जीत रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यकीन होना चाहिए कि आप उनके दम पे लोकसभा जीत जाएंगे, विधानसभा जीत जाएंगे। फिर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनदेखा करके उनकी ताकत और शक्ति को एक तरफ मान के कांग्रेस के नेताओं को लाके उनके सर पे बिठाने का काम क्यों कर रहे हैं? आप बीजेपी का कार्यकर्ता दरी उठाता रह जाएगा और कांग्रेस वाले मलाई खाएंगे, ये आरोप लगते रहते हैं ज्वाइनिंग पर। एक मिनट बैठ जाइए। मैडम ये तो इनकी गलतफहमी है, इन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों जा रहा है छोड़ के। हमारा परिवार आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आ रहे हैं, एडजस्ट कैसे करें? सम्मान है, सबका सम्मान है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी 2018 में यहाँ भाजपा हारी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी कांग्रेस से विधायक बने, सिंधिया जी के साथ वो आए, इस क्षेत्र की जनता ने 64,000 वोटों से जिताया। ठीक है,
हरीश जी मैंने मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। मेरा सवाल यहाँ पर ये भी रहेगा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह के मुद्दों पर बात हो रही है। देश का चुनाव है लेकिन लोकल इश्यूज पर अगर हम इस तरह का विरोध देख रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी है या क्या है? निश्चित रूप से देश के मुद्दों का चुनाव है, ये बड़ा लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस के पास भांति भांति के रंग और सांप बिच्छू केकड़ा भाजपा के संग, जितने सांप बिच्छू कांग्रेस के थे वो आपने ले लिए, फिर आप कह रहे हैं विकास करेंगे, कहीं तो आप सोचिए। जो भाजपा के लोग यहाँ बैठे हैं, अगर सुनने की क्षमता हो तो सुने और नहीं सुनने की क्षमता हो तो चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे सारी पार्टियों की बात हो रही है। और दूसरी बात रही विकास की, तो मैं जब भोपाल जाता हूँ तो मेरे को पेट पकड़ना पड़ता है, इतने धचके लगते हैं क्या क्या बताऊं। अभी आप भी भोपाल से चल करके आए होंगे, रोड की स्थिति आपने देखी, सरासर झूठ तो मत बोलो। आज ये इस बात पे मंथन नहीं कर रहे कि राहुल गांधी परंपरागत सीट अमेठी क्यों छोड़कर जा रहे हैं, इस बात पे बात क्यों नहीं कर रहे? शिवराज जी पे तो कह रहे हैं विदिशा से लड़ लिए। शिवराज जी जिंदगी से जनता के मन में बसे, उन्हें भी पूरे मौके थे, देश से कहीं से चुनाव लड़ते जीतते, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने विदिशा चुनी, उनसे भी कहा था आप वहां चले जाओ, लेकिन उन्होंने उनका क्षेत्र चुना। आज कहां छिंदवाड़ा हार रहे हो, कहां बातें लगे हो, नकुलनाथ से पूछा पूरा कुनबा खाली हो गया, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा आपके। वो भटका रहे हैं, भटक रहे हो? नहीं भटक रहे। देखिए बहुत देर से मैं सुन रहा था विकास विकास विकास, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूं, मैं भी फील्ड पर निकलता हूं, योजनाएं तो कई चल रही हैं, लेकिन धरातल पर देखी जाए तो कई योजनाएं समझ में नहीं आती। जल जीवन मिशन योजना की बात की जाती है, पाइपलाइन डल गई है लेकिन पानी घर घर नहीं पहुंच पा रहा है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और तो और सुनिए जो अस्पतालों की बिल्डिंगें बन गई हैं लेकिन बिल्डिंगों में डॉक्टर नहीं है, ये स्थिति यहां पर धरातल बनी हुई है। योजनाएं तमाम चल रही हैं लेकिन ग्राउंड जीरो पर यहां पर देखने को नहीं मिल पा रही है। जी ठीक है, आप कुछ कहना चाहते सर? मैं अमित ठाकुर, सबसे पहले रायसेन की धरती पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, और हम इस शहर के बहुत प्रतिष्ठित संस्थान में जिसका सदस्य हूं, मैं आपको रायसेन का नागरिक और इस संस्थान का सदस्य के नाते सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और बहुत बधाई देता हूं कि आप रायसेन के मुद्दों को एक नेशनल चैनल के उस उठाने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले यहां पर, हम तो बात कर रहे थे विदिशा के लेकिन मुद्दे रायसेन के उठ रहे हैं। हाँ देखिए, दशकों से एक कहावत थी, उस कहावत में थोड़ा सा संशोधन, आज कहा जाता है कि ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को कुछ नहीं मिला। ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को बहुत कुछ मिला, आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। दूसरी बात, मैं दोनों ही पार्टी के लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं। देखिए 2014 से पहले यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि पुराने प्रधानमंत्रियों और दूसरे दलों ने देश की राजनीति के विकास में कोई काम नहीं किया, लेकिन 2014 से हमारा देश स्वर्णिम, सशक्त, मजबूत और दमदार भारत की राह पर, इस बात को सबको मानना पड़ेगा। अभी बात उठी नेशनल स्तर पे, मैडम जी ने बोला कि यूपी में गुंडागर्दी बंद हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा की सरकार मणिपुर क्या था फिर, जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अपमानित किया गया, वहां किसका शासन था? बीजेपी का था। और अभी बात उठी के बड़े बड़े नेता छोड़ के आ रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जिस सिंधिया जी को गद्दार कहती थी, बीजेपी ज्वाइन करते ही वो एक उज्ज्वल व्यक्ति हो गए, तो यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। ये वही शिवसेना है जिनके शिवसेना के संस्थापक ने बोला था कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी कांग्रेस का साथ नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, आज उस पार्टी उस गठबंधन के साथ है जिस गठबंधन के नेता बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हम जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है हम वापस लेंगे, इनकी बहुमानसिकता है। बीफ कंपनियों का चंदा है, डेटा दिया है SBI ने, झूठ मत बोलो, खुले मंच पे झूठ मत बोलो, सनातन धर्म को फॉलो करते हो झूठ मत बोलो, ब्राह्मण हो झूठ मत बोलो, सनातन धर्म को फॉलो करते हो झूठ मत बोलो। आज गाय काटने वाली कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है, चांदी ठोक के कह सकता हूँ ये बात। देखिए कांग्रेस ने वो दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, प्रजातंत्र को जिंदा रखा, भारत के संविधान को जिंदा रखा, लोगों के एक एक नागरिक की प्रभुत्व संपन्नता बनाए रखी, वो चुनाव लड़, जो प्रजातंत्र को जिंदा रखा है वो कांग्रेस ने रखा है। भारतीय जनता पार्टी होती जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में, सत्यन जैन जेल में, संजय सिंह जेल में, भारत के प्रजातंत्र को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। शिवसेना से जो वादा किया था नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने और वहां के फडणवीस जी ने, उस वादे से मुकर जाने के कारण हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे को उस गठबंधन को तोड़ने के लिए इन्हें मजबूर किया है। लेकिन अब एक ऐसा साथ है, दिल्ली मुंबई में अलग है, यहाँ अलग है। दिल्ली मुंबई में क्या अलग है? आप कांग्रेस के प्रत्याशी के अगेंस्ट खड़े हैं ना? नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ नहीं, हम
स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, आप स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं, लेकिन ये कैसी दोस्ती कि दिल्ली और मुंबई में अलग हो जाती है, यहाँ अलग हो जाती है? देखिए क्या है कि गठबंधन जो वहां पे हुआ है, अलायंस की बात कर रहे हैं आप, महाराष्ट्र में शिवसेना की ताकत मजबूत है, शिवसेना का संगठन मजबूत है, शिवसेना के नेता मजबूत हैं, शिवसेना का शासन मजबूत है, इसलिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने उनका सहारा देने के लिए गठबंधन किया, ना कि उनको जोड़ने के लिए। यहां से बड़ी आवाज आ रही थी, एक मिनट, आ रही हूं, आवाज बहुत तेज यहां से आ रही थी, मेरा एक बात का जवाब दीजिए। अलायंस की बात आप कांग्रेस को लेकर कह रहे थे, लेकिन बीजेपी दूर नहीं है, ओडिशा में बीजेडी वर्सेस बीजेपी है, जबकि बाकी जगह बीजेडी अलायंस में है। मैं भाई साहब की बात का जवाब दूंगा, ये वही कांग्रेस के पार्टी के लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया। फिर राम मंदिर पर आ गए, मेरी बात का जवाब दो, तुम पहले गठबंधन पर, आपकी तरफ से गठबंधन में आवाज आई थी ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुनिए, ये मानने को तैयार नहीं है, ये बोल रहा है कि राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया, भैया मान लेते हैं, ये अब ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जेल में मोदी जी ने डाला, अरविंद केजरीवाल को जेल में मोदी जी ने डाला, ये भी तो मानो भैया, जेल में कोर्ट नहीं डाला तो मोदी जी ने नहीं डाला भाई साहब। क्या लग रहा है, चर्चा हो रही है उन मुद्दों की जिन पर होनी चाहिए बात? बिल्कुल, मुद्दों पर चर्चा हो रही है, बराबर हो रही है, और कांग्रेस भ्रम में बैठी हुई है अभी भी। क्या कांग्रेस किसी भ्रम में है? क्या है इन लोगों के लिए कोई दूसरा मुद्दा है नहीं है? किनके लिए? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास, इसलिए वो आपने जो मौका दिया है उसको वो भुंजाना चाहते हैं, गलत मुद्दा जो है इधर उधर भटका रहे हैं। अभी जो बोल रहे थे भाई साहब कि रोड खराब है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक रोड अगर खराब है और थोड़ा सा चल रहा है तो और भी रोड है, उससे आ जाए, एक ही रोड क्यों देख रहा है? ईमानदार है, आपने कब से स्वीकारा कि रोड खराब है? नेशनल हाईवे पे ब्लॉक लगाए जाते हैं, रायसेन के मुखैनर गेट पे ब्लॉक लगाए हुए हैं, एक रोड को तीन तीन दान डाला गया रायसेन के मुखैनर गेट पर, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज जी की जो क्षमता है और योग्यता है उसका ज्यादा अच्छा उपयोग पार्टी ऐसा सोचती है कि केंद्र में होगा, जितनी उनकी ऊर्जा है उस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट किया, अब केंद्र में जाकर विकास के कार्य में सहयोग करेंगे, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। जय श्री राम। लेकिन वो तो कह रहे थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। नहीं, वो पुराना सिनेरियो था, 6 महीने पहले की बात है, अब नया जी मैडम मैं जवाब देना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, जब माननीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और माननीय बाला साहब ठाकरे जी से कहा था आप समर्थन करते हो, तो माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था मैं देश में अनुशासन लाने के लिए, राष्ट्र हित के लिए इमरजेंसी का समर्थन करता हूँ, तब भी बीजेपी ने विरोध किया था। उसी तरह महाराष्ट्र में उद्धव जी ने महाराष्ट्र निर्माण के लिए कांग्रेस का साथ दिया है, और मुझे वो बता रहा है कांग्रेस और शिवसेना। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी को क्या जरूरत थी, जो महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया था, जो ये कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया है उसका बहुत बड़ा कारण है कि 370 और आज जो कश्मीर में जो सब हम अच्छे से घूम पा रहे हैं उसकी वजह है। जो लाडली बहना बनाई है 1250 रुपये में लाडली बहना खुश, भैया तुम गैस सिलेंडर सस्ते कर दो, ऑटो डोन तेल मिर्ची सस्ते कर दो, डीजल पेट्रोल सस्ती कर दो, मगर तुमने ये 1250 दे के लाडली बहना अच्छा बैठा रही है, जिसके ऊपर केस चल रहे हैं उसके दिल से पूछो, हम गलत नहीं बोलेंगे। आज कांग्रेस साफ इसीलिए हो रही, एक तो झूठ, पहले इन्होंने झूठ बोला कि रोड खराब, दूसरा अब झूठ बोल रहे हैं। अगर बहनों की इज्जत शिवराज भैया कर रहे हैं तो आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? आप जीजाओं की चिंता इतनी है, आप अपनी बहनों की चिंता नहीं कर सकते, आप जीजाओं की चिंता क्या करेंगे आप? ठीक है, क्या बहन बेटी इस देश का हिस्सा नहीं है जो आप उनका विरोध कर रहे हैं? यदि शिवराज भैया ने सबसे पहला काम तो उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बना के, लाडली बहना योजना बना के, लाडली लक्ष्मी योजना बना के, जो कई वर्षों से हमारी भारत की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, अब आप हिसाब से बरदान तक का जो सब हम एक तरफ वो कह रहे हैं कि एक तरफ आप दे रहे हो लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पर और दूसरी तरफ महंगाई के नाम पर निकल रहा है वो पैसा। देखिए महंगाई के नाम पे कुछ नहीं निकल रहा है, जो कुछ काम हो रहा है वो दिख रहा है, कहने से कुछ नहीं होता है, कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, पर लाडली बहना के तहत उनने बहन बेटियों को सशक्त किया है, ये काम नहीं है क्या? सबसे तो पहले मैं न्यूज 18 के लिए रायसेन में आया हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, लोहा अभी 8 दिन पहले 5700 था, आज
आज वो 6300 रुपए है आज की तारीख में। वो सोना, जो सोना 75,000 प्लस तोला होगी, अब महिलाओं के लिए क्या सम्मान दोगे आप लोग? सोना कम से कम सस्ता होना चाहिए। महंगाई, महंगाई की मार बहुत ज्यादा है बीजेपी के शासन में, और आने वाले समय का 400 पार होगा ना, पेट्रोल 200 से अधिक अगर नहीं मिले तो जो गारंटी है मेरी। मैं ये कहना चाहूंगा भाई, भाई शांति, विषय यह है कि अगर ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे है, ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे कांग्रेस का पतन क्यों हुआ, कांग्रेस को चिंता करना चाहिए। जो मतदाता निकल रहा है वो मोदी की गारंटी के नाम पे निकल रहा है, और ये मानना पड़ेगा कोरोना काल में देश उठ के खड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से बोलूंगा पत्रकार के नाते कि जो अच्छाई है वो अच्छाई है मोदी सरकार की। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी है, पूर्व मंत्री है, स्थानीय विधायक है बीजेपी के। आइए सर, वैसे आप जल्दी आइए। जो बड़ी बात निकल कर आई कि चुनाव देश का है, लेकिन बात हो रही है लोकल मुद्दों पर, क्यों? क्या निराशा है जनता के अंदर, क्या है? जनता के अंदर उत्साह है, और देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है। सर, मतदाता पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच रहे। 400 से ज्यादा सीटें देश के अंदर आ रही है, और फिर एक बार मोदी सरकार बन रही है। मतदाता नहीं पहुंच रहे, क्या वजह है? 9% महिला वोटर्स की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है सेकंड फेज की वोटिंग में एमपी के अंदर। देखिए, अब जो भी चुनाव होंगे आप देखेंगे एक उत्साह आपको दिखाई देगा, और वोट आप परसेंटेज भी मतदाताओं का बढ़ेगा। नहीं, आप लोगों ने समीक्षा की होगी ना, क्या वजह पाई है? नहीं, अभी क्या है कि कुछ शादी ब्याह का माहौल भी था, तो उस वजह से कुछ मतदाता निकलने में थोड़ी सी क्यों अपने कहीं रिश्तेदारों में थी, तो उस वजह से। लेकिन अब आप आने वाले चुनाव में आप देखेंगे, और जो उत्साह आपने देखा होगा आज आप लोग रायसेन में हैं, जो विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, बाकी सभी सीटों में भी इसी तरीके का उत्साह है, और मतदान का भी प्रतिशत बढ़ेगा, और मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें जीत रही हैं। ठीक है, वो 29 सीटों का दावा कर रहे हैं। एक सवाल पीछे से ले लेती हूँ। जी मैम, भाजपा भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष चाचा बैठे हैं, राकेश चाचा, मुझे एक चीज बता दें बस, कि पुराने जो सांसद थे उनकी कितनी उपस्थिति है संसद में, और उनने कितने प्रश्न विदिशा को लेके, विदिशा के मेडिकल कॉलेज, रायसेन के मेडिकल कॉलेज, रायसेन के मुद्दे, विदिशा के मुद्दे को लेके पूछे। एज अ नागरिक पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि विचार तो मेरे भी कहीं ना कहीं मिलते हैं राइट विंग से, पर एज अ नागरिक मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे प्रतिनिधि ने कितने क्वेश्चन पूछे। ठीक है, बस नेता को देखकर उसने क्लैरिटी दे दी कि भैया देखिए विचार तो मेरे आप ही की तरफ है, लेकिन सवाल तो मैं पूछूंगा। वो हमारे युवा साथी ने बहुत अच्छा प्रश्न करा, मैं उससे बिल्कुल एग्री तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा हमारे जो सांसद थे उन्होंने भरपूर जितने भी प्रयास यहाँ के विकास के लिए होना चाहिए उन्होंने करें, जो भी विकास के कार्य यहाँ से संबंधित थे वो करें, इसमें कोई संदेह नहीं। रामाकांत जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, और उनके नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य होते थे वो भी सांसद जी शिवराज जी के नेतृत्व में करते थे। हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे कार्य करें। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी के विधायक जी से और नेताओं से, यहाँ पर विश्व स्तर धरोहर है, जहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उत्पाद हुआ है, उस स्तूप के लिए या उस शहर के लिए कोई नेशनल पार्क ऐसी कोई व्यवस्था की गई अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, जो बाहर से विदेश से यात्री आए उनके लिए कुछ किया जाए? सर, एक सवाल तो, इस सवाल तो आपने सुना ही, लेकिन सवाल ये भी आ रहा है कि क्यों शिवराज सिंह चौहान के बेटे को डर हो गया है कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बची हुई है? उनका एक बयान सामने आया है कार्तिकेय चौहान का, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि देखिए वोट कीजिए, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी अभी पूरी तरह टूटी नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा है कि जो उनके अपने विचार हैं, उन्होंने अगर कांग्रेस के लिए अच्छे शब्दों का उपयोग किया तो उसमें कोई गलत नहीं किया। अभी हमारे सामने साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी एक दो मुद्दों की बात की तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। आज सांची मध्य प्रदेश की नहीं, भारत की पहली सोलर सिटी बन चुकी है, पहली सोलर सिटी। जहां तक पार्क की बात की है तो पार्क भी जो वहां सर्किट हाउस था उसकी जमीन, जो वहां पर और भी विभाग की जमीन के, वहां एक बड़ा पार्क लगभग 17 एकड़ में 17 करोड़ रुपए की राशि से वहां पर एक बड़ा पार्क का बनाया गया है, और वहां पर काफी विकास के कार्य सांची में हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वहां लगभग 40 करोड़ की सीएम राइज स्कूल बनकर तैयार हो रही, 10 करोड़ का अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है, और अनेक विकास के कार्य सांची के अंदर
किए जा रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी जब भारत की पहली सोलर सिटी बनी है, बाहर के लोग भी आते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है। सर आ रही हूँ आपके पास एक सवाल वहां से, एक मैं आ रही हूँ आपके पास जी। डॉक्टर साहब आप आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब मुझे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप 84-85 में विधायक बने थे, उस टाइम पे प्रताप भानु शर्मा जी सांसद थे, उस टाइम में आपने क्या क्या विकास के काम किए वो गिनवा दिए जहाँ बस। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी साहब को मैं सुन रहा था कि उन्होंने मंत्री रहते हुए काम किए, लगातार काम किए। शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना लाडली लक्ष्मी को सुन रहा था, फिर कैसी बात रही कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से हट गए, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का मंत्री पद चला गया और भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार सांसद थे यहाँ से पिछली बार उनको घर बैठना पड़ा। तो मोदी जी की जो नीति और कार्यक्रम गारंटी की बात हमारे विदिशा संसदीय क्षेत्र के लोग कर रहे थे, तो 10 साल के कार्यकाल में उन्हें उपलब्धि तो बताना चाहिए कि मोदी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार की थी, 15 लाख रुपए प्रत्येक के खाते में लाने की थी और महंगाई से लोगों को निजात दिलाने की थी, भ्रष्टाचार मुक्त करने थी, सीमाओं को सुरक्षित करने की थी। चाइना भारत के अंदर घुसा है, यदि राष्ट्र की हम बात करेंगे और देश के अंदर हम बात करेंगे तो बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जहां पर शिवराज सिंह चौहान जी ने यदि 18 साल में बहुत अच्छे काम किए थे, उनको घर बिठा के विदिशा संसदीय क्षेत्र का विकास कैसे किया? और जब 2 सीटों से शिवराज सिंह चौहान लड़े थे तो उन्होंने विदिशा से इस्तीफा दिया था, बुधनी को ग्रहण किया था, तो अब क्या मजबूरी आ गई कि विदिशा लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है तो देश की जनता क्यों अपनाएगी? देखिए क्या है कि अब हमारे बीच में माननीय प्रभुराम चौधरी जी पधारे हैं, मैं शिवसेना का प्रवक्ता हूं, उनका स्वागत करता हूं यहां पर और उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक की उपचार योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा खोले गए अस्पतालों में 5,000 रुपए के इलाज की जगह 5-5 लाख रुपए निकाले गए हैं, जिसकी जांच कराने के संदर्भ में पहले भी दिल्ली से कोई टीम आई थी भोपाल में, भोपाल के 5 अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए थे और उनकी जांच बंद कर दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि आयुष्मान योजना में ये जो घोटाला किया जा रहा है, जो किसके माध्यम से क्यों किया जा रहा है? सर आपके नाम में तो प्रभु भी है राम भी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बस राम का नाम अब उसका काम ना हो, लेकिन बात आयुष्मान कार्ड को लेकर जो जिसे बीजेपी अब सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है उसका क्या रिपोर्ट का? मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतवर्ष में आयुष्मान कार्ड योजना बनाई, जिसमें आम नागरिकों का 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त में किया जाता है, चाहे वो सरकारी चिन्हित अस्पताल सरकारी अस्पताल हो और जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको भी संबद्ध करके चिन्हित अस्पतालों में 5 लाख तक का जो इलाज फ्री में किया जाता है। दूसरा, अभी फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी फिर नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा है कि जो 70 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं वो किसी भी कैटेगरी के हों, कोई भी हो, सभी को उस योजना में शामिल किया जाएगा। जहां तक हमारे शिवसेना के साथी जी ने ये सवाल उठाया तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए सरकार का लक्ष्य और नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है ये है, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, भारत में मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहां सबसे ज्यादा एक नंबर पे आयुष्मान के कार्ड कैंप लगाकर और सरकार के द्वारा हर पंचायत लेवल पर जाकर कार्डों को बनाया गया और 1 करोड़ कार्ड शेड्यूल की धरती से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाए। रही बात इसकी के इन्होंने कहा कि कहीं कोई शिकायत, ठीक है अस्पताल में हमारे जो भी हितग्राही हैं जो आयुष्मान के जो इलाज कराने के लिए जाते हैं, अगर कहीं कोई उनकी शिकायत और अनियमितता मिलती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी की जाती है। हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि हमने कितने 1 करोड़ कार्ड बनवाए हैं और 1 करोड़ कार्ड मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अस्पतालों में इलाज के पर्चे जो होते हैं तो जो आयुष्मान कार्ड की पर्ची का पैसा जमा कराया जा रहा है, 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए मरीज से लिए जाते हैं और 5-5 लाख रुपए उनके खाते से निकाले गए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, और अस्पताल वालों का ये कहना है कि ये शासन में पैसा हमको देना पड़ रहा है इसलिए हमको भ्रष्टाचार कर रहे हैं जी।
इन्हें कहा था मोदी जी ने कि किसानों का गेहूं 2700 रुपए में खरीदेंगे। मैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि सरकारी गेहूं की खरीदी 2700 रुपए क्विंटल में क्यों नहीं हो रही, लाडली बहना को 3000 रुपए क्यों नहीं मिल रहा, गैस का सिलेंडर 450 में क्यों नहीं मिल रहा, महंगाई कम क्यों नहीं हुई, 2700 रुपए में गेहूं कब खरीदेंगे। किसान को 2022 में आय दुगनी होना चाहिए था, किसान की आय आधी रह गई है। तो मोदी जी जवाब देंगे कि शिवराज सिंह चौहान की डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जवाब दीजिए। सर सवाल है कि ये भी आपने स्वास्थ्य मंत्री रहते होने का जिक्र किया, उस समय जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे तो सीएमएचओ कार्यालय में घोटाला हो जाता है करोड़ों का। नहीं देखिए, ऐसा है, सरकार पूरी तरीके से काम करती है, अगर कहीं कोई कमी निकलती है उसके लिए एजेंसियां हैं, जांच होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और भ्रष्टाचारियों के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई भ्रष्टाचारी आज भी जेल के अंदर सलाखों के अंदर हैं। पूरे विश्व में, केवल भारत में, पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगारी है और इन 10 सालों में वो युवा बेरोजगारी 60% बढ़ी है। तो हम सीधे सीधे ये नहीं माने कि नरेंद्र मोदी की सरकार फेल है। आपने रोजगार के लिए क्या करा, आप तो केवल इस प्रश्न का उत्तर। एक मिनट। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, मध्य प्रदेश में भी रही, हिंदुस्तान में भी रही। मैं इनके ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, अभी कुछ भी नहीं जानते इस देश की क्या स्थिति थी और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, रोड नहीं थे, रोजगार नहीं थे, महिलाओं के उत्थान के कार्य आज भारतीय जनता पार्टी ने किए। इनके परिवारों में जाकर पूछ लें कि जिनके घरों में सोने को जगह नहीं थी, आज आवास बनाकर नरेंद्र मोदी जी ने उनके घरों में सोने की व्यवस्था की है। जहां पर लोग पन्नियों में बैठा करते, आयुष्मान कार्ड देकर इनके घरों में इलाज चल रहे हैं। इनसे पूछ लो, फ्री का राशन कार्ड ले रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहे हैं। सबसे पहले मैं इन भैया का जवाब दूंगा जो ड्रिप लगा के दिखा रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ड्रिप की भी एक गाइडलाइन होती है कि आप 360 डिग्री का हाथ घुमा रहे हैं और फिर आपकी ड्रिप जो फेल होगी तो फिर आप डॉक्टरों को दोष देंगे और सरकार को दोष देंगे, तो ये कौन सी बात होती है आपकी। और दूसरी चीज मैं भैया की बता दूंगा, बेरोजगारी की बात, तो वर्तमान में जो हमारे प्रतिनिधि हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही वो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना निकाली है जिसमें विद्यार्थी सीख भी रहा है और पैसे भी कमा रहा है। तो ये अभी जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो आज मैं आवास योजना का घोटाला बताता हूँ आपसे। न्यूज 18 से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि एक सर्वे विदिशा के जो आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए हैं उनका सर्वे किया जाए। एक आखिरी सवाल निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो देश में विकास हुआ है, कांग्रेस से ज्यादा हुआ है, जनता ने इसलिए पसंद कर रही मोदी सरकार को। लेकिन मोदी मैजिक के भरोसे रहेंगे? लेकिन मोदी के भरोसे, एक ही व्यक्ति के भरोसे नहीं रह सकते, और भ्रष्टाचार नहीं रुका, इस बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, विदिशा लोकसभा सीट का क्या मिजाज है हमने आपको दिखाया, चुनाव एक्सप्रेस का सफर चलता रहेगा, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे लगातार चुनाव से जुड़ी हुई और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।